Hello and welcome friend to our channel. Today we will see one question based on clock, and theory is already done, which you can find from our playlist, hai na? And the description is already provided you below in our description link. Now ab question dekhte hai, question kya keh raha hai. Question keh raha hai, how much does a watch lose per day if its hand coincide every 64 minutes. Theek hai, to iska matlab kya keh raha hai ki hands coincide मतलब क्या हुआ कि hours hand and minute hand जब ये coincide करेंगे after every 64 minutes, तो 24 hours में क्यों, क्योंकि क्या कह रहा है, watch lose per day, तो in a day how much hours, तो in a day 24 hours होते हैं, तो इस 24 hours में watch कितना time lose कर देगा, ये हमें find out करना है. तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं हमारे एग्जाम्स में, और ऑलरेडी आप देख रहे होंगे कि काफ़ी टाइम ये आया हुआ है. तो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखो इसका क्वेश्चन करने का एक बेसिक अप्रोच होगा जो कि ऑलरेडी थ्योरी लेक्चर में बताया गया हुआ है, बट हम आपको वो पूरा एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पे, एंड आफ्टर देन न्यूमेरिकल के ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. तो देखो क्या है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि 55 मिनट्स स्पेस जो है, स्पेस बोले तो ये स्पेस है ना, कि 5 मिनट्स, तो 55 मिनट्स जो स्पेसेस हैं वो कितने मिनट में कवर होते हैं, स्पेसेस कवर्ड इन 60 मिनट्स. ठीक है, 55 मिनट्स स्पेस क्यों बोला, क्योंकि देखो क्या है कि अगर आपका आवर्स एंड फाइव पे है, अगर हाई आवर्स एंड फाइव पे है एंड मान लो मिनट एंड टू पे है, तो आफ्टर वन आवर दैट मीन्स आफ्टर 60 मिनट्स आवर्स एंड आपका कहाँ चला जाएगा, आवर्स एंड आपका सिक्स पे आ जाएगा, एंड आपका मिनट हैंड तो यहीं पे रहेगा ना, है ना, मिनट हैंड आपका यहीं पे रहेगा और आवर्स एंड आपका सिक्स पे चला जाएगा आफ्टर वन आवर. ठीक है, आफ्टर वन आवर, बट देखो क्या है कि ये पाँच मिनट का यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो आवर्स एंड भी कवर किया हुआ है. तो अगर हम रिलेटिव बात करें तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हुआ, डिफरेंस 55 मिनट्स का हुआ. तो वही कह रहा है कि 55 मिनट्स स्पेसेस कवर्स इन 60 मिनट्स. ठीक है, तो वन आवर्स दैट मीन 60 मिनट्स. ठीक है, तो वही कह रहा है कि 60 मिनट्स स्पेसेस फिर कितने मिनट्स में कवर होंगे, तो 60 मिनट स्पेसेस जो कवर होंगे वो होंगे 60 क्रॉस लीनियर इक्वेशन जो हम सॉल्व करते हैं बाय 55 मिनट्स. ठीक है, ये होंगे तो 60 मिनट स्पेसेस हमें पता चल गया. 60 मिनट स्पेसेस क्या हुआ, 60 मिनट स्पेस हुआ आपका पूरा वन आवर, है ना. 60 मिनट स्पेस कितना हुआ, पूरा जब आपका वन आवर होगा, डैट मीन्स जब आपका जो हार सेंड है वो पूरा एक रिवॉल्व होगी, तो हमारे पास कितना मिनट होना चाहिए, 60 क्रॉस 60 डिवाइडेड बाई 50. इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा, सॉल्व करने के बाद आता है 65 5 बाई 11. ठीक है, मिनट. तो पिछले लेक्चर में अगर आप जाके में हमारी थ्योरी देखोगे तो बताया गया है कि जो हार्स हैंड है एंड मिनट हैंड, ये दोनों कोइंसाइड, मिनट हैंड है जो दोनों वन टाइम पर आर कोइंसाइड करती हैं, एंड इट इज आफ्टर कितने टाइम, 65 5 बाई 11. ठीक है, यहाँ पे हमने डिराइव भी कर दिया कि हार्स हैंड एंड मिनट हैंड कोइंसाइड आफ्टर एवरी वन टाइम आफ्टर एवरी आवर्स, बट हाउ मच टाइम इट एक्चुअली टेकन, इट विल एक्चुअली टेकन 65 मिनट्स एंड समथिंग सेकेंड. ओके, तो ये आ गया. अब क्वेश्चन में क्या क्या, 60 मिनट का हमने निकाल लिया 65 5 बाई 11, तो लॉस कितना हो रहा है, तो ये तो 1 मिनट की बात है, रही है 1 मिनट में इतना लॉस है, तो लॉस इन 64 मिनट्स कितना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन देखो, हैंड्स कोइंसाइड आफ्टर 64 मिनट्स. तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हैंड्स कोइंसाइड कर रहे हैं वो कितने मिनट में कर रहे हैं, 64 मिनट में कर रहे हैं, बट जो आइडियल होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, आइडियल जो होना चाहिए वो होना चाहिए इतना. तो दिस इज आइडियल कंडीशन, जो आपकी वॉच अगर सही टाइम चलेगी तो आफ्टर एवरी 65 मिनट्स एंड 5 बाई 11 सेकेंड्स इट विल कोइंसाइड, बट क्वेश्चन में क्या है, 64 मिनट्स में ही कोइंसाइड कर रहे हैं, तो लॉस कितना हो जाएगा, तो लॉस इन 64 मिनट विल बी, अगर इसको आप बस सब्ट्रैक्ट करना है 64, इसको जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो इसकी वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी 65 5 बाई 11 माइनस 64. इसको करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 16 बाई 11 मिनट. ठीक है, तो इतना मिनट हमारा
पर आवर लॉस हो रहा है, इतना मिनट हमारा क्या है कि पर आवर लॉस हो रहा है ना, पर आवर लॉस हो रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है इन अ डे, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि हाउ मच वॉच लूज पर डे। ठीक है, तो वॉच लूज पर डे, तो यहां पे फॉर 24 आवर्स कितना हो जाएगा। ठीक है, तो पर आवर के लिए इतना है, तो 24 आवर्स के लिए कितना हो जाएगा, 64 डिवाइडेड बाय 11 इनटू 24, और वो आपकी कितनी वैल्यू आ जाएगी, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 32.8/11 मिनट। ठीक है, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 32.8/11 मिनट इसको सॉल्व करने के बाद। तो आफ्टर दिस मच टाइम द आर आवर क्लॉक लूजेस व्हेन इट शोस की आफ्टर एवरी 64 मिनट्स व्हेन इट कोइंसाइड पर डे। तो ये आपका कहीं ऑप्शन में है, या ऑप्शन ए इज आवर राइट आंसर।